हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल लारिसा रियल टेक। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आशियाना हमारा का प्रोजेक्ट। तो काफ़ी सारा कंफ्यूजन है, रियल एस्टेट मार्केट है तो बबल है, क्रैश हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी मार्केट में चल रही हैं। हमने भी वीडियो बनाई, लोगों के मिक्स वही बात है, रिएक्शन है, कोई पॉजिटिव बोलता है, कोई नेगेटिव बोलता है, कोई कहता है कि भाई सही में ही गिर जाएगी मार्केट, कोई कहता है स्टेबल हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए हमने वीडियो बनाई। अब बात करते हैं नए प्रोजेक्ट जो लॉन्च हो रहे हैं उनके बारे में। तो जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उनके जैसे कि प्राइजेज रिवाइज हुए, तो कुछ क्रिएटर्स ने वीडियो भी बनाई कि ये आप सब लोगों की जीत है कि आपके जो प्राइजेज हैं वो रिवाइज हो गए हैं, तो ये है वो है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फिलहाल मार्केट में चल रही है। अब उसी बीच एक प्रोजेक्ट और आ गया आशियाना आमारा का, यानी कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये हमेशा से डिमांड में रहा है। जैसे ही इनके फेज लॉन्च होते हैं तो कभी 2 टाइम्स कभी 3 टाइम ओवर सब्सक्राइब होता है, क्योंकि हमेशा से ही जेन्युइन रेट्स आए हैं। अब जो फिलहाल यानी कि करंट यानी फेज 4 की अगर हम बात करें तो इसका रेरा वेरा सब कुछ आ चुका है, आप सबको पता होगा, अपडेट जो है वो ऑलरेडी कम्युनिटीज वगैरह में डल चुकी थी, तो फेज 4 का रेरा आ चुका है। अब फेज 4 का डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो रेट है ये आपको 2.50 CR के समथिंग जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर अगेन ये जो चीज़ थी, जो 2.50 था, ये एक अजम्पशन थी सब लोगों की ही कि इस रेट के ऊपर जो है चीज़ें आ सकती हैं। बिल्डर का भी ये वही बात है, कोई कंफर्मेशन नहीं थी डेवलपर एंड से भी कि भाई हम इसी रेट पे लेके आएंगे, बट यस अजम्पशन थी कि इस रेट के ऊपर लेके आ सकते हैं क्योंकि मार्केट तेज है। लेकिन फिर चाहे बिल्डर ने रियलाइज किया या फिर जो बिल्डर की लेगेसी है उसको उसने कंटिन्यू रखा, और उस हिसाब से जो रेट है फिलहाल आफ्टर डिस्काउंट जो ऑफर हुआ है वो 2 करोड़ 4 लाख रुपए से स्टार्ट हुआ है। अगेन कारपेट एरिया आप सबको पता है 1,000 स्क्वायर फीट का भी है और 1,205 स्क्वायर फीट का भी है, इस बालकनी एरिया लगा है इसके अंदर। तो ये यूजेबल एरिया है जो आपको ऑफर हो रहा है। इसके अंदर अगर सुपर एरिया की बात करें तो 30% और एड ऑन कर दो, वो आपका सुपर एरिया निकल के आ जाता है। लेकिन इस ग्रुप की यही खासियत है कि वो सुपर एरिया के ऊपर ना बात करके, चाहे वो मेंटेनेंस है, चाहे वो जो भी चार्जेस हैं, व्हाटएवर द चार्जेस जो हैं, वो ऑलमोस्ट जो है सारे आपके कारपेट एरिया के ऊपर कैलकुलेट होते हैं और कारपेट एरिया को ही ये सेल करता है। बाकी आप लग्जरी प्रोजेक्टों के अंदर देखोगे तो सुपर एरिया को सेल किया जाता है और उसी पे वर्किंग होती है। तो अब हम जब इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अगर बिल्डर की क्रेडिबिलिटी की बात करें, क्योंकि फेज 4 लॉन्च हो रहा है तो अगेन बात तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है आशियाना हाउसिंग क्या है। तो आशियाना जो है एक मार्केट लिस्टेड प्लेयर भी है, पीछे काफ़ी टाइम से वर्किंग कर रहा है, ऑलमोस्ट जो है इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए इनकी एक लेगेसी रही है हमेशा से कि प्रोजेक्टों को पूरा करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, नए प्रोजेक्टों की तरफ वर्किंग करेंगे। तो अब इनका जो फेज 1 था उसकी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ईयर जुलाई के अंदर उसका पोजिशन आपको मिल सकता है। सेकेंड थर्ड फेज जो भी है वो भी टाइमली आपको टाइम से पहले ही डिलीवर हो जाएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। बहुत जल्दी आपको लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट भी डालूंगा तो उसमें आप देख पाएंगे। बात हो रही है प्राइस के बारे में, सबसे पहले तो डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या आई है। तो ये जो फेज 4 है ये पहला और आखिरी फेज है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा यूनिट आई है, यानी कि 288 के अप्रोक्स जो है ये यूनिट इसके अंदर लॉन्च कर रहे हैं। उससे पहले जितने भी यूनिट्स आए थे वो 224 यानी कि 224 यानी कि 224 यूनिट्स जो है हर फेज के अंदर इन्होंने लॉन्च की। टोटल 1200 यूनिट्स हैं और ये लास्ट फेज रहेगा जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा यूनिट है वो ऑफर हुई है। 3 BHK 2T एंड 3 BHK 3T ही ऑफर कर रहे हैं इसके अंदर। जो EOI चेक है वो 7 लाख रुपीज का ले रहे हैं। EOI के अंदर जो डिस्काउंट मिल रहा है वो भी काफी अच्छा खासा है, क्योंकि जैसे ये डिस्काउंट वगैरह हटा देंगे या चीजें हो जाएंगी तो ये 2.3540 के समथिंग जो है प्राइस वेरी करेगा। तो अभी इनिशियल सभी डिस्काउंट्स को ऑल इंक्लूसिव अगर आप करते हो तो ये 2.4 लाख, मतलब 2 करोड़ 4 लाख रुपए में चीजें स्टार्ट हो रही हैं यहाँ पे। साइजेस अच्छे हैं। इसके अलावा अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के अंदर जो है आप सैंपल फ्लैट की, अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको मैं कोई भी वर्डिंग बोलूँ, मैं कहूंगा आप एक बार सैंपल फ्लैट खुद विजिट करके देखो, जो चीज आपको मिल रही है वो आपको वहां पे फिलहाल लगी हुई मिलेगी। आप जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपका फ्लैट आपको कैसा मिलने वाला है या फिर कैसा आपका फ्लैट रहेगा। बालकनीज है वो 5 फीट वाइड हो गई है, डेक एरिया मिल रहा है। इसके अलावा आपको जो है उसके अंदर एंटी स्किड जो टाइल्स हैं वो एड ऑन कर दी गई हैं। इसके अलावा आपका AC के प्रोविजन दे दिए गए हैं। इसके अलावा फिटिंग्स जो है वो जैगवार की या रोसा के आपको फिटिंग मिल जाएंगी।
इसके अलावा आपको किचन के अंदर चिमनी होब्स वगैरह ऑफर हो गए हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं कहूंगा आप एक बार, ये मेरे बताने से नहीं, बट एक बार खुद से जाके एक्सपीरियंस करो, देखो, वर्किंग करो और फिर समझो कि क्या मतलब चीजें मिल रही हैं आपको। जब आप अपने अपार्टमेंट में एंटर करोगे तो आपको कैसा फील होगा वो आप आज ही जो है जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्डर की क्रेडिबिलिटी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्या चीजें मिल रही हैं। फेज 4 के अंदर जो चीजें आई हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम कंपैरिजन भी कर लेते हैं क्योंकि वो भी जरूरी है। तो फिलहाल अगर हम न्यू गुड़गांव की बात करें तो न्यू गुड़गांव के अंदर फिलहाल SS ग्रुप का 90 के अंदर है। इसके अलावा गोदरेज जेनिथ का जो है वो सेक्टर 89 के अंदर है, और ये आपका ये वाला प्रोडक्ट है आशियाना हमारा 93। तो अगर हम इन प्रोडक्टों के कंपेयर में चीजें करें तो प्राइस जो है वो काफी कंपेटिटिव है, क्योंकि प्राइस आपको अप्रोक्स 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की इफेक्टिव प्राइस इसमें ऑफर हो रही है, जो कि अगर आप इनसे कंपेयर करो तो आप सब में देख लो, चाहे कम से कम आपको जो है 14-15 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट मिल रहा है, चाहे गोदरेज जेनिथ है चाहे SS90 है, लेकिन यहाँ पे आज भी इफेक्टिवली जो है आपको 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट जो है निकल के आ रहा है। तो आई थिंक आज भी प्राइस पॉइंट जो है कम्पिटिटिव, जितने भी प्रोडक्ट हैं या फिर जितना भी कंपेरिजन आप करोगे सभी के कंपेरिजन में जो है आज भी प्राइस भी अच्छा है, बिल्डर क्रेडिबिलिटी भी अच्छी मिल रही है, चीजें भी अच्छी मिल रही हैं। तो कंपैरिजन और अगर बाकी प्रोजेक्टों से भी करो, चाहे आप द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोडक्ट ले लो, चाहे आप SPR के ले लो, तो वहाँ के जो प्राइजेज हैं वो भी अलग हैं। अब आप कहोगे कि यार वो तो बेल्ट ही अलग है, तभी मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने न्यू गुड़गांव से पहले कंपेयर करवाया ताकि आपको सेम लोकेशन का आपको पता रहे कि क्या चीज़ें हैं। अब लोकेशन की बात चल रही है तो लोकेशन को भी आपको बता देता हूँ। तो सराउंडिंग में आपको चाहे मॉल हैं, चाहे आपके जो है स्कूल्स हैं, सारी चीजें आपको विद इन अ 5 मिनट ड्राइव सारे मिल जाती हैं। मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के थ्रू जो है आप द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर जाते हो। इसके अलावा अपकमिंग मेट्रो है वो भी आपके नियर बाय में है, तो आप इजी टू रीच कर सकते हो। प्रोडक्ट की अप्रोच अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट की वही बात है कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ है, तो लोकेशन भी आपको वही बात अच्छी मिल जाती है। ये प्रोडक्ट यूं ही नहीं है कि लाइक जस्ट प्रोडक्ट आशियाना ग्रुप ने लॉन्च किया और बिक रहा है, ये प्रोडक्ट बिकने के बहुत सारे रीजंस हैं। लास्ट में आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये वीडियो बनाने का रीजन ही यही है कि अगर आप आशियाना के अंदर जा रहे हो तो आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दो, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लो, और ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, उसमें आप ही का बेनिफिट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं प्राइस सेगमेंट की, मतलब एप्रिसिएशन की। सबसे पहले तो एप्रिसिएशन की जब बात करते हैं तो फेज 1 जो लॉन्च हुआ था, याद हो तो 2022 के अंदर ये चीजें स्टार्ट हुई थी, अगस्त 2022 में फेज 1 लॉन्च किया, और 97 लाख रुपीज में अल्ट्रा लग्जरी हाई राइज प्रोजेक्ट और किड सेंट्रिक होम, मतलब आपके बच्चों के लिए यहाँ पे 6,000 स्क्वायर फीट का लर्निंग हब है, आपके प्ले स्ट्रीट है अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, अलग अलग प्ले स्ट्रीट है, इसके अलावा 7 एकड़ के अप्रोक्स ग्रीन एरिया है, 80% तक का ओपन एरिया मिल रहा है। तो काफी कुछ चीजें जो है वो ऑफर कर रहे हैं, किड्स को काफी ध्यान में रखा गया है, तो उनके लिए चाहे स्कूल्स हैं मतलब प्राइमरी स्कूल्स जो होती है वो है, या फिर उनको सीखने के लिए मेंटल हेल्थ के लिए या फिजिकल हेल्थ के लिए, जिस भी टाइप से आप अपने बच्चे को ग्रो करना चाह रहे हो, जिस भी तरीके से आप अपने बच्चे की एक्टिविटी जो है चाहते हो, तो सारी चीजों की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। इसीलिए क्लब हाउस भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, स्टेट ऑफ द आर्ट क्लब हाउस है लग्जरी, ताकि जो यंग जनरेशन के पेरेंट्स हैं वो भी अपनी जो है लुक एंड फील चीजें जो है वो ले पाए, स्विमिंग पूल है या फिर आपका क्लब हाउस है, सारी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भाई जब चीजें इतना सब कुछ ऑफर हो रहा है तो ये बोलते ना कि यूं ही बिकने का रीजन नहीं है, एप्रिसिएशन का एक मतलब होता है, एक रीजन होता है। तो एप्रिसिएशन आने का रीजन है कि भाई स्टार्टिंग से ही इन्होंने रीजनेबल प्राइस रखी, प्रोडक्ट भी अच्छा ऑफर किया, और एप्रिसिएशन जिन्होंने फेज 1 में लॉन्च किया आज वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने 97 लाख रुपीज में, हाँ चीजें एड ऑन की हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने फेज 2 फेज जो है चीजें एड ऑन भी की हैं, उसी हिसाब से अपने सैंपल फ्लैट को भी इन्होंने अपग्रेड किया है कि भाई जो फेज 1 में ले रहे थे उनको फेज 1 का सैंपल फ्लैट दिखाया कि आपको ऐसा मिलेगा, जो फेज 2 में ले रहे थे तो जो भी चेंजेस हुए वो चेंजेस किए गए फेज 2 के सैंपल फ्लैट के अंदर, ऐसे ही फेज 3 के अंदर भी जो सैंपल फ्लैट के अंदर चेंजेस आए या जो भी चीजें एक्स्ट्रा ऑफर हो रही थी तो वो चीजें चेंजेस की गई। रीजन ट्रांसपेरेंसी किताब, ताकि आप जिस भी फेज में जो भी चीज ले रहे हो आपको पता रहे कि आपके अपार्टमेंट में आपको क्या चीज ऑफर हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो स्टार्टिंग इन्होंने 97 लाख रुपीज से की थी, जो तब भी मार्केट वही बात है हाई पे था, फिर भी एक रीजनेबल प्राइस लेके आए।
आज की डेट में जो प्राइस है वो 2.04 हो रखी है। तो आप ये गैप देखोगे तो एक बहुत बड़ा गैप है। अगस्त 2022 और मार्च 2024 फेज थ्री तक की हम बात कर लेते हैं, तब तक आप ये देखो कि जस्ट आपको जो है 1-1.5 साल के अंदर ही क्या एप्रिसिएशन जो है देखने को मिला। अब 2024 के अंदर जैसे कि ये आपका लाइक फेज फोर भी लॉन्च कर दिया, अभी मार्च 2024 के अंदर ही इन्होंने फेज थ्री लॉन्च किया था, तो ये जो गैप है ये जस्ट 3 महीने के अंदर ही आप देखो 1.57-1.58 के समथिंग लॉन्च हुआ था 3 BHK प्लस 2 की, आज वही जो है वो 2.04 CR। तो ये एप्रिसिएशन आपको इस प्रोडक्ट के अंदर मिला है और इस प्रोडक्ट ने दिया है, और एक जेन्युइन चीजों के साथ। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक बहुत ज्यादा ओवर हाइप करके या वैसा कुछ करके, तो वो चीजें भी नहीं है, एक प्रॉपर जेन्युइन वे के अंदर रेट बढ़ाए हैं। अब बात करते हैं जैसे कि प्राइस मतलब एप्रिसिएशन की बात हो गई, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यार ये तो अब बहुत एक्सपेंसिव हो गया है या बहुत महंगा हो गया है, बट मैं कहूँगा एक्सपेंसिव अभी भी नहीं है। और ये 2.5 करोड़ के अंदर आया था, मतलब अभी भी अगर आप डिस्काउंट वगैरह हटा देते हो तो भी 2.37 के समथिंग आ रहा है ये, तो अभी भी मैं कह रहा हूँ एक्सपेंसिव नहीं है। ये वो प्रोडक्ट है जो आप पूरे लाइफ टाइम चलाओगे और हमेशा इसकी वैल्यू बढ़नी ही है, कम नहीं होगी। रीजन है इसका वही बात है, आपका मेंटेनेंस है या फिर इसकी जो चीज़ें हैं जो ये ऑफर कर रहा है, इसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा आपको अप्रिशिएट होता हुआ ही दिखेगा। जैसे आप DLF की सोसाइटीज़ को देखते हो तो वैसे ही ये वाली सोसाइटी भी आपको हमेशा अप्रिशिएशन लेवल पे ही दिखेगी, ना कि कम होती हुई दिखेगी। सेकंड, जो नेक्स्ट फेज आएगा तो उसके अंदर भी आपको और अप्रिशिएशन मिलेगा, लेकिन तब भी आपको कंपेटिटिव प्रोडक्ट से कंपेटिटिव प्राइस मिलने वाला है, मतलब हमेशा रीजनेबल प्राइस पे हुआ है, ये लेगेसी रही है, ये चीज़ें ऑफर करने का तरीका रहा है इनका, तो वहाँ पे वो चीज़ मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं भाई नेगेटिव पॉइंट्स की, वो भी ज़रूरी है। तो नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि इसके अंदर आपको MiOne कंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही है। अब बोलोगे कि यार इतनी सब कुछ चीज़ें तो MiOne कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, ब्रेक्सी क्यों कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि कल आपको अगर कोई भी चेंजेस करने हैं इंटरनली तो आप आराम से कर सकते हो बिकॉज ऑफ ब्रिक कंस्ट्रक्शन, तो इसीलिए ये जो है MiOne प्रॉपर MiOne कंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, तो ये रीज़न हमें डेवलपर एंड से मिला है। अब इसके अलावा सेकंड, ये जो फ्रिक्वेंट इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं है। फ्रिक्वेंट मतलब कि भाई मैंने 30% दे दिया, मैंने 10% दे दिया और मैं कल बेच के निकल जाऊंगा, तो वो वाला कॉल नहीं है, क्योंकि इस डेवलपर के हमेशा से यही रहा है कि मेरे पास जो बंदा आए वो मेरे पास जो है लॉन्ग टर्म तक रुके, जिसको पता रहे, जिसका माइंडसेट क्लियर है कि मुझे इसको 2 करोड़ रुपए देने हैं और मैं वही बात है मेरी प्रॉपर्टी लूंगा, तो वो वाले माइंडसेट के लोगों को वही बात है ये अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं और उसी हिसाब से बेचते आए हैं। तो बेसिकली एंड यूजर फ्रेंडली ज़्यादा है। दूसरा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो मतलब रियल एस्टेट की एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए, तो वो वाले जो लोग हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट है। जो फ्रिक्वेंट इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि भाई मैं फ्लिप कर लूंगा, मतलब मैं 20% 30% दे के बेच जाऊंगा या वो कर दूंगा, तो नहीं, आपको इसमें बीच में एग्जिट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो उनके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है जो 20% 30% दे के चीज़ें लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ना तो कोई ऑप्शन है ना ही आप जो चीज़ है वो कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा पेमेंट प्लान के बारे में भी। तो पेमेंट प्लान यहाँ पे आपको CLP भी मिलता है और PLP भी मिलता है, मतलब कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान भी ऑफर हो रहा है और आपको पोजिशन लिंक पेमेंट प्लान भी ऑफर हो रहा है, तो दोनों टाइप के पेमेंट प्लान मिल जाते हैं। इनिशियली EOI के लिए ओनली 7 लाख रुपए का चेक जा रहा है, जिससे आपको प्रायोरिटी जनरेट हो जाएंगी। इसके अलावा जिन्होंने पुराने फेज के अंदर अप्लाई किया था, इसके अलावा जो डिस्काउंट्स हैं वो कैसे होंगे, उसके लिए मैं कहूँगा आप कॉल कर लो जिससे आपको क्लियर हो जाए। हमेशा से मैं एक ही चीज़ कहता आया हूँ, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले विजिट करो, देखो, जांचो, परखो, अपनी रिसर्च करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमेशा जिसके साथ भी परचेज कर रहे हो वो एक जेन्युइन पर्सन हो, एक कमिटमेंट पे रहने वाला पर्सन हो, जिससे आपको कल आपकी सिक्योरिटी रहे, चीज़ें रहें। थर्ड, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं कहता हूँ, और लोकेशन, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें देखकर ही कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करो या किसी के साथ परचेज करो, तो यही वाली चीज़ है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी मतलब की चीज़ें हैं, पुराने फेज में अप्लाई किया था नहीं मिला था, या फिर आपको डिस्काउंट्स वगैरह के बारे में नहीं पता है, या मतलब जो चीज़ें हैं क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा है लोगों को ना, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई थी कि ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो उन सब चीज़ों के लिए स्क्रीन पे बार बार नंबर आ रहे हैं, उस पर कॉल करो,
सारी चीजें प्रॉपरली ब्रीफ में समझो, विजिट करो और फिर उसके बाद आगे वर्किंग करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको वही बात है देखते ही ले लेना है, बट यस मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ और इस प्रोडक्ट को अगर आप वही बात है परचेज कर सकते हो, स्पेशली एंड यूजर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो ये प्रोजेक्ट अगर आपको कभी भी नुकसान दे दे, ये वो प्रोजेक्ट है जो आपकी लॉन्ग टर्म एफडी हो जाएगा और अच्छा रिटर्न देगा। क्योंकि आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं या जो आप आरबीआई पे भरोसा करते हो, वो वाला भरोसा आप इस डेवलपर पे कर सकते हो, इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कह सकता। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि मेरा पैसा सेफ रहे, मैं लॉन्ग टर्म तक देखूँ, वो अप्रिशिएट करे, या मैं कल रहने भी आऊँ तो मुझे वो लुक एंड फील मिले, तो दिस इज़ द प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको हर चीज़ बहुत ही डिटेलिंग के साथ आपके बच्चों के लिए आपके लिए सब कुछ मिल रहा है। एरिया बहुत स्पेसियस है, अपार्टमेंट के लेआउट देखना, एरिया देखना, बेहतरीन मिल जाएगा। तो एक बार मेरे कहने पे वही बात है, मेरे 9,000 के समथिंग जो है कम्युनिटी बनने वाली है यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की, तो सबको मैं रेकमेंड करूंगा। अगर 2 करोड़ के आसपास का बजट है और कहते हो कि मुझे एक मतलब लाइक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या फिर खुद के लिए लेना है, तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। इसके ऊपर अगर इस प्रोजेक्ट में कभी भी कोई कमी आ जाए तो आप मुझे जो है जो बोलोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, ये मेरी राय रहेगी। इस प्रोडक्ट के ऊपर हमेशा से कॉन्फिडेंट था मैं और रिजल्ट भी वैसा ही रहा है, हर किसी को समझ आता है ये प्रोडक्ट। तो ये वीडियो बनाने का प्रोस्पेक्टिव भी यही था, जिनको क्लियर नहीं है, 2-2.5 करोड़ के बायर जो है वो बहुत है मार्केट में, जिनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या खरीदूँ, क्या लूँ, रेडी टू मूव में जाऊँ या अंडर कंस्ट्रक्शन में जाऊँ, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली। तो जरूर से जरूर जो है वर्किंग करो, मैं यही कहूंगा आपको। 288 यूनिट आई हैं, यानी कि 288 यूनिट हैं, लास्ट फेज है ये, आप मान के चलो कि भाई जिसके अंदर इतनी यूनिट आई हैं, नेक्स्ट फेज के अंदर भी आपको 224 के समथिंग यूनिट देखने को मिलेंगी, इतनी बची है फेज 5 के अंदर। तो उसके अंदर आप वही बात है 20-30 लाख रुपए और महंगे में परचेज करोगे, इससे अच्छा है अभी अपना मौके पे जो है चौका मारो। और एक चीज और भी है साथ में कि ये एक तरीके से ड्रॉ सिस्टम है इस प्रोडक्ट के अंदर, ये 2-3 टाइम जो है ओवर सब्सक्राइब होता है, सेल हो जाता है, क्योंकि हमेशा से ही चीजें जो है वैसी ऑफर करी है, तो इसीलिए ये एक लक वाली बात होती है। बहुत सारे क्लाइंट है जो कहते हैं बाद में कि यार हमें मिल जाता, हम ले लेते, इसके अंदर हमें दिलवा दो, कंफर्म करवा दो, चीजें मिल जाएं। तो इसीलिए जब आज आपके पास चांस है, मौका है, ऑप्शन है इनिशियल लेवल पे एक्शन लेने का, तो क्यों नहीं ले रहे हो, क्या रीजन है? अगर आप मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर मैंने जो चीजें थी इसके अंदर वो सारी आपके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर की, बिल्डर ट्रांसपेरेंट है, हर चीज आपको जो है बिल्कुल बाकायदा आपके सामने दिखाता है कि भाई ये चार्जेस फ्यूचर के अंदर लगेंगे, ये आप मुझे दे रहे हो, ये आप कल मेंटेनेंस के दोगे, हर चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर कर रहा है, हम आपके साथ सब ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप मुझे जो है इस प्रोडक्ट के अंदर और जितनी भी कमियां हैं, आपके अकॉर्डिंग जितनी भी कमियां हैं, आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर गिनाना। मैं चाहता हूँ, मुझे खुशी होगी अगर आप ये चीज करोगे, तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितनी भी कमियां हैं या जो भी चीज जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो जिन्होंने परचेज कर लिया उनको तो मैं स्पेशली कहूंगा उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो सब लोग जरूर कमेंट में शेयर करना। दूसरा, जिनको भी कमियां पता है कि भाई इसके अलावा और भी कमियां हैं खूब सारी, तो वो सारी कमियां मैं कहूंगा कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर से जरूर गिनाना, जिससे फिर हम उसके ऊपर जो है वीडियो बनाएंगे। फ्यूचर के अंदर जो है अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट करके पूछ लो, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, सारी चीजें जो है इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अपडेट ले लो, पूछ लो, समझ लो कि भाई क्या है क्या नहीं है, डिस्काउंट कैसे मिल रहे हैं, ईओआई पे क्या प्रोसीजर है, जो पुराने लोगों ने लिया था मतलब जिन्होंने फेज 3 के अंदर अप्लाई किया था, तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल चीजें रखी गई हैं, तो वो सारी चीजें जान लो। तो नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके वो चीज आपको पता कर लेनी है। और बाकी गाइज, आई होप आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दे पाया हूँगा, सारी चीजें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, बिल्डर के रिगार्डिंग भी, लोकेशन के रिगार्डिंग भी, कंपैरिजन में जितने भी प्रोडक्ट थे या फिर जो भी चीजें थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अभी भी फिर भी कोई डाउट बचता है तो कॉल लाइन जो है वो हमेशा आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहाँ कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो को यहीं समअप कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ या फिर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।